कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा एक ज्ञापन एसडीएम नितिन टाले के नाम नायब तहसीलदार श्रीमती पूनम साहू को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि पचमढ़ी रोड पर बस स्टैंड के पास स्थित हनुमान जी की मड़िया को रातों रात लोगों द्वारा हटा दिया गया है। उक्त मड़िया में स्थानीय रहवासी पूजा पाठ करने प्रतिदिन आते थे। मड़िया हटने के बाद सुबह जब जानकारी प्राप्त हुई कि मड़िया को उखाड़ कर अन्य कहीं कर दिया गया है, जिससे हमारी धार्मिक भावना आहत हुई है और हिंदू देवी देवता का अपमान हुआ है। जिसने भी यह किया है उसको हिदायत दी जाए एवं उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हमारी भावना के अनुसार हमें न्याय प्रदान किया जाए। साथ ही उक्त हनुमान जी अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कर स्थापित किया जाए। ज्ञापन सौंपते समय सेवा दल ब्लॉक अध्यक्ष विनोद नायक, इंटक नेत्री सुधा सिलावट, सीताराम सिलावट, श्रीमती ममता नगोत्रा, गिरी गोस्वामी, राधेश्याम ठाकरे, संजय राजपूत आदि कांग्रेसी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये कांग्रेस परिवार से कांग्रेस पार्टी से दिया गया है और इस संबंध में दिया गया है कि पुरानी नगर पालिका के पास एक छोटा सा मंदिर था, उसमें हनुमान जी की मूर्ति स्थापित थी। उस मूर्ति ना वहाँ पर आज कल या परसों जब भी उन लोगों ने ले गए हैं, रात को ले गए हैं, मंदिर शायद चोरी हो चुका है। ये धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाना है। आज हम विकास कार्य में बाधक नहीं है और ना हम ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे मंदिर और हनुमान जी की मूर्ति को कहां पर ले गए हैं इसका कुछ पता नहीं है। मान के ये चलिए कि चोरी हो गया है, तो हम ये चाहते हैं शासन प्रशासन से कि इस मूर्ति का पता लगाया जाए और उसे सम्मान स्थापित किया जाए। यही हमारी मांग है और इसी बात को लेकर हम आए। ज्ञापन हमने इसलिए दिया क्योंकि इतवारे बाजार में एक मड़िया बनी थी हनुमान जी की, तो उसको रातों रात हटा दिया गया है और मड़िया का पता नहीं। जब लोग सुबह देखा लोगों ने कि यहाँ पर मड़िया नहीं है और इस मड़िया से हटने से बहुत से लोग पूजा करने से रुक गए और हमारे हिंदुओं की भावना से खिलावड़ किया गया। भाजपा कहती तो बहुत है कि भाई हम हिंदू धर्म हमारा है हमें, और पर विकास कार्य को लेते हुए देखते हुए ये मंदिर को हटाया है और हमारी भावना से खिलावट किया है। तो मतलब कहना चाह रहा है मंदिर चोरी हुआ है? हाँ, मंदिर एक प्रकार से चोरी किया उन्होंने, रातों रात आया वो ले गए, सुबह हमने देखा उधर मड़िए नहीं थी। अब मंदिर कहाँ गया इसका पता ही नहीं है और हमारी प्रधानमंत्री तो मांगे कि मंदिर जहाँ भी कर दिया हो मूर्ति को अच्छी प्राण प्रतिष्ठा करके उसको स्थापित किया जाए। पीपरिया से पंकज पाल की रिपोर्ट।